प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का 66वां जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया और सुखद और दीर्घ जीवन की कामना की। प्रसपा अध्यक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मंगलवार को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संगठन ने वृक्षारोपण, कंबल और वस्त्र वितरण, फल सहित अन्नदान किया और रक्तदान शिविर भी लगाया गया। साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। इस दौरान आवास पर बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगने लगा था। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के शनिदेव मंदिर स्थित देवराहा घाट पर विधिवत पूजा पाठ कर शिवपाल सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया और भंडारे का आयोजन हुआ। शिवपाल शनि मंदिर पहुंचे और माथा टेकने के बाद केक काटा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया। हजारों कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय में स्वागत के लिए तैयार दिखे। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने केक काटा और कार्यकर्ताओं को खिलाया। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर शिवपाल ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती से तैयारी करने के निर्देश भी दिए। आशीर्वाद लेते हैं और अभी हमारे सब लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि संकल्प लें कि आगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सफलता मिले। वैसे तो हम लोग संघर्ष के रास्ते पर चल ही रहे हैं, गांव-गांव पांव-पांव हमारी यात्रा चली रही है, चलो गांव की ओर। और इस समय सरकार से हर वर्ग के लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई है और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार है। और ऐसे ऐसे कानून पास हुए हैं, नोटबंदी जैसे कानून पास होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और उससे किसी को फायदा नहीं हुआ है। सहयोगी शैलेंद्र शर्मा के साथ धीरेंद्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज़, लखनऊ।